56 मोटरसाइकिल जिहड़े ने जिहड़े कि ऑटोमैटिक अजकल लेटेस्ट टैक्नोलॉजी नाल लैस ने, तुसीं देखिया होना उन्हां दे अगे भी दो कैमरे ने, पिछे भी दो कैमरे ने, अंदर भी कैमरे ने, सिस्टम सारा जिहड़ा वो लग्या होया। सो हर जिले नूं दो दो मोटरसाइकिल आ जाणगे ते गड्डियां जिहड़ियां ने 26 बलैरो वह भी तुहानूं सड़कां ते नज़र आउणगियां। बाज़ अख जिहड़ी है वह अपराधियों ते जां समाज विरोधी अंतरां ते रखी जाऊगी। मैं बार बार ये कहना कि पंजाब पुलिस नूं अपडेट असीं करांगे और नंबर वन पुलिस देश की टैक्नोलॉजी पक्षों असीं बनाउणा चाहुंदे आ। खास तौर पर खाड़ी दे देशां दे विच साडे जिहड़े नौजवान जां साडियां बहुत बारी भैणां धीआं साडियां उत्थे जाके स्टक हो जांदियां ने। मैं बतौर मैंबर पार्लीमेंट भी बहुत सारे लोगों नूं बाहरों जिहड़े स्टक हो गए एजेंटां दे धोखे दा जां उन्हां दे जिहड़े सुपने दिखाए हुए सी उहदा शिकार हो गए, उन्हां नूं उत्थों वापस लैके आंदा। सो असीं यही डिस्कस कर रहे सी कि यह अवेयरनैस असीं लैके आईए लोगों के इन्हां मुल्कां च ना जाओ, क्योंकि उत्थे शरीयत दे कानून ने बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो पासपोर्ट वो आपके कोल रख लेंगे ने फिर अंबैसी भी नहीं जान देंगे, वो अपने कमर च बंद कर लेंगे ने, स्लेव गुलाम बना लेंगे। पंजाब दे विच ही रोज़गार पैदा हो रहे हैं, जाने की लोड़ ही नहीं पवे। सो इस करके उहदे बारे भी असी जिहड़ा डिस्कस किया। और जिहड़े जिवें कैनेडा दे विच साडे स्टूडेंट जिहड़े गए सीगे 700 तो उपर स्टूडेंट जिन्हां दे दस्तावेज जाली निकले वो उत्थे स्टक हो गए सी, तां कैनेडियन अंबैसी नाल भी इन टच आ ते जिन्हें जिन्हें भी वह इस तरह के जिहड़े जाली दस्तावेज बना के उन्हां नूं इतों जहाज चढ़ाता तो वो अपनी किस्मत पर छड़ता, उन्होंने लाभार छड़ता, उन्होंने एजेंटा के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। मैं उदों भी कहता रहा, सुषमा स्वराज जी ने एक गल पार्लीमेंट भी बोली सी कि पंजाब सरकार भी कहो जी कि वो जड़ जड़ जी है जड़ तो ठीक करे ना, पत्तियां ते स्प्रे करन नाल तां स्यौंक नहीं हटनी ना, स्यौंक तो जड़ा च लगी हुई है ना। सो असी इस गलते हुण लगे हुए हैं कि जिहड़े नकली, असी नहीं कहिंदे कि सारे पंजाब के ट्रैवल एजेंट जिहड़े ने जाली होणगे जां नकली होणगे। असी यही अज डी जी पी साहब ने भी यही गल हुई है, यादव साहब खड़े उन्हां ने भी यही गल है, एस आई टी है साडी उहदे हैड ने उन्होंने भी यही गल हुई है कि आपां कोई इस चक्कर च कोई जिहड़ा बेकसूरा ना जिहड़ा फस जाए। जिहड़े जिहड़े जाली ने जिहड़े जिहड़े कहिंदे ने असीं ऐ कर दिंदे ऐ कर दिंदे, इन्ने दिनां च उत्थे वीजा इत्थे ट्रैवल वीजा लवा के भेज दिंदे आ मलेशिया 14 दिनां दा, 15वें दिन तो उह बंदे जिहड़े ने उह इलीगल हो जांदे ने, चाहे 10 साल रह ले तुसीं बिना वीजे तो, चाहे 1 दिन रह ले, रूल सेम है। रजिस्टर्ड जिहड़े ने उन्हां दा भी असीं करांगे कि आ रजिस्टर्ड ने ते उन्हां नूं बुलावांगे कि तुसीं कोई गलत काम नहीं कर रहे, सानूं कुछ नहीं कहिंदे। इहदे नाल जदों जनतक करते तां फिर स्टूडेंट्स नूं पता लग जूगा इह रजिस्टर्ड है, इह बंदा फ्रॉड है, तां उन्हां दे भी पैसे बर्बाद नहीं। देखो मैं जदों दी असीं 16 मार्च तो खटखट कलां तो शहीद आजम भगत सिंह होरां दा आशीर्वाद लैके सहु चुकी है, मैं उदों तो बार बार ये कह चुकिया कि पंजाब दे खजाने की दुरवरतों जिन्हें भी की है, चाहे वह 15 साल पहला सी चाहे 10 साल पहला सी, भावें वह अपने मित्रां नूं कोई प्रॉपर्टी कौडिया के भाव बेच गया, भावें वह अपने दोस्तों दोस्ती निभाने लई कोई किसी जेल च रख गया, भावें वह किसी भी किस्म नाल पंजाब दे खजाने नूं लुट गया, उहदी तां जांच होगी तो जांच होकर सज़ा भी मिलेगी जो बनती है कानून मुताबक। जिथों तक अंसारी वाला सवाल, ये तो हुण जग जाहर है कि वह 2.5 साल के लगभग 2 साल के लगभग रोपड़ जेल च रहा, उस केस का भी नहीं पता जिहड़े केस च रखिया सी, केस च कहिहड़े च रखिया सी, कोई केस नहीं सी। उत्थे एक MLA MP कोर्ट है UP च, उहदे विच उहदा केस लग गया, वह 2 महीने 3 महीने जो उहनूं सज़ा हो जाणी सी। ते इह अंसारी जिहड़ा इहने पंजाब सरकार नाल संपर्क किया, पंजाब सरकार ने संपर्क किहड़े चैनल तो किया, कैप्टन साहब नूं मैं दस देना चाहुंदा, वह कहिंदे मैं जिंदगी च कदे मिलिया नहीं। रणिंदर नूं पुछ लिओ, तुहाडे बेटे नूं पुछ लिओ भी वह किन्नी बार मिलिया जिंदगी च। संपर्क करके एक इत्थे थ्रैट की FIR करा के उन्हें लै आए, इत्थे लै आए जी, उहदी सेवा शुरू हो गई।
घट्टो घट 25 बार तो वध यूपी पुलिस ने कहा साडा बंदा सानू दे दो। कदे कहते रीढ़ की हड्डी नहीं ठीक हैगी, कदे कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता। 25 दिन 25 चिट्ठियां जवाब देता मैसेज नहीं देंगे। उसकी सेवा चल रही थी, उसकी वाइफ आके 2-2 महीने इतने रहिंदी सी, जेल के मंगले पासे कोठी ले ली सी, ठीक है जी। फिर यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट च, सुप्रीम कोर्ट नू कहा उन्होंने कि सानू बंदा नहीं देंदे जी, पंजाब पुलिस आए साडा बंदा जी, वो तो केस चलते हैं। इस गल नू, इस केस नू लड़न लई वकील किए गए कि आपां देना नहीं बंदा है। वकीलों की फीस बन गई 55 लाख। वह 55 इन द मीन टाइम इन्हें सरकार बदल गई। 55 लाख रुपये का बिल तो मेरे को ही आऊगा ना, जो मेरे को 55 लाख का बिल आया वकीलों के पैसे तो सू देने पैणगे ना, ठीक है ना। मैं क्या भी ये 55 लाख आप खजाने चो क्यों देवे, ये 55 लाख उन्होंने तो वसूलना चाहिए जिन्होंने बिना किसी कारण तो इतने रखे उन्होंने। तो जेल मंत्री साहब कहें भी मैं तो कुछ पता ही नहीं हों, 2021 चिट्ठी लिख रहे हैं भी पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है, मूहरे विधानसभा चोणा आ रही ने, मीडिया सवाल पूछता, मैं की जवाब देव, मैं तो दस दी नहीं है कि तुम लिया के उन्होंने रख रखे अंसारी ये चिट्ठी है ना, मैं लिखी है चिट्ठी सुखजिंदर ने लिखी है। यदा मतलब जेल मंत्री कह रहे थे तुम गृहमंत्री हो, मैं तो दस दया करो, तो गृहमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कैप्टन साहब। कैप्टन साहब कहते मैं जिंदगी कहीं मिले नहीं। अच्छा मैनू कहते थानू सरकार नहीं चलानी होंगी, ऐ सरकार चलती होंगे फिर जी, इन्हें ना मुख्यमंत्री को पता कौन है, ना जेल मंत्री को पता कौन है, कोई भी आई गया जेल च, कोई भी जाई गया, ठीक है ना। इस करके रिकवरी 55 लाख की होगी। रंधावा साहब, कैप्टन साहब, ये गल मेक श्योर कर देना मैं थोनू। वो कहते जो हजे पेमेंट हुई ही नहीं फिर रिकवरी कहती, मैं उही तो कहना कि असी पेमेंट करनी थोड़े थ्रू है, असी क्यों करिए, जे देनी भी पैगी खजाने चो रिकवरी तो फिर इन्हों तो होगी। पूछ लैन कैप्टन साहब, कैप्टन साहब अच्छा हाँ जी, मैं जवाब दे। फिर कल वो मैं सुन देखा जो कोई पहलवान हार जाए ना फिर वो थप्पड़ थप्पड़ी पर आ जाता है, फिर वो गालो गाली आ जाता है। वो गल इन्हों की हुई हुई है, गल इन्हों कोई आँदी नहीं, ठीक है ना। मैंने नोटिस जारी करो, मैं एक वाली फ्लाइट फड़ू, मैं 3 वाली फड़ू, सारे नोटिस भी आ जाएंगे, ठीक है ना। हजे कल ये नहीं खुलासे, यह तो हजे बहुत घट ने, जो समान इन्हों का पिया है ना हौली 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 कानून के प्रोसैस जाऊगा। तो नाल ये भी पूछ लाँगे थोड़े सामने, असी जांच करवावे रोपड़ जिले के ही आ चला दौ, रोपड़ जिले के अंसारी दे बेटे अंसारी के भतीजे के नाते वक्फ बोर्ड की जमीन है, कहता हाँ जी अब्बास अंसारी है ना, हाँ जी मेरे को रिकॉर्ड पे है, हाँ जी इन्हें यह लगता कि असी वैसी है, असी पंजाब नाल दिलों जुड़े हुए, असी कोई असी कोई है जी किन्नी किन्नी जमीन है। मैं क्या जी तुम एक मिनट खड़ो तो सही, जमीन सारी दस देंगे। हाँ लो जी आह मीडिया जी ये है आवास अंसारी एंड श्री उमर अंसारी, कितों की है जी, ये रोपड़ की जमीन है जी, आ सारा जिहड़ा वक्फ बोर्ड की जमीन है, आवास अंसारी ते उमर अंसारी, एक भतीजा एक बेटा है, बाकी ये तो पता होना रणिंदर को पता हो कौन कौन ने, ठीक है जी। ये इस तरह पंजाब लुटते रहे हैं, कैप्टन साहब कहते मैं मिले नहीं, यदा मतलब तुम तो बेटा ही लटाई गया फिर कि जे तो तेन मुख्यमंत्री बनाता साढ़े, वो कहते 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, भगवंत मान 1.5 साल हो, जिन्ना 9.5 साल च गए से उन्होंने मैं 4 दिन चला जाना पंजाब, यह जे तजर्बे का की करिए भी असी। मेरे ना 3 साल MP रहे ने कैप्टन साहब, 2014 तो 2017 तक, वो अमृतसर तो MP से, मैं संगरूर तो, मेरी हाजरी 90% तो उपर सी, तो कैप्टन साहब की हाजरी किन्नी सी, जिहड़े कहिंदे असीं तजर्बेकार हुंदे आ 6% लोएसट इन इंडिया, 6% हाजरी सी, जिथे चुने जाते उत्थे जाते नहीं, MP चुने गए पार्लीमेंट च नहीं गए, MLA चुने गए विधानसभा च नहीं गए, मुख्यमंत्री चुने गए सैक्रेटरीएट च नहीं आए, पंजाब च नहीं गए, ये कहदा तजर्बा है भाई, फिर यह जे तजर्बे तो रब ही बचावे।
देखो विदेशों के जो इस तरह घटनावां होंदियां ने वो जिहड़े प्रवासी भारती ने खास तौर पर पंजाबी ने जिन्हां ने बहुत मेहनत नाल अपनियां शानां जिहड़ियां ते अपनी इज्जतां कमाईयां ने उत्थे उन्हां नूं वो उन्हां दी शाख नूं किते ना धक्का लगता है बट्टा लगता है। नैशनल पार्टी आम आदमी पार्टी 10 साल नैशनल पार्टी बन गई। सो अगे 2024 दे विच की करना है? सब तो पहला काम तो देश बचाना है। जे इन्होंने आके संविधान ही बदलता देश ही ना रहा फिर कादियां पार्टियां जी, फिर कादे अलायंस जी। सो इस करके सब तो पहला तो डेमोक्रेसी बचाने का सवाल खड़ा होया पिया। सो बाकी नैशनल लैवल पर जो भी होगा वो तुहानू समय समय से दस देंगे। स्टैंड क्लीयर नहीं कर रही कांग्रेस है जी, कांग्रेस अध्यादेश नू लेके दिल्ली दा स्टैंड क्लीयर नहीं कर रही है। देखो वो अध्यादेश कला दिल्ली का नहीं ना, वो तो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। असीं कोर्ट के गए हुए हूँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 नाल एक फैसला देता 5-0 नाल कि जी जिहड़ा इलैक्टेड सीएम है उस कोल पावर होणगे। उस दिन उन्होंने अध्यादेश जारी किया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होगी 5 बजे 8 बजे फैसला करता ताकि महीना 1.5 महीना हम बंद रहेंगे कोर्ट भी नहीं जा सकते। असं आ गए चलो कोर्ट खुल गई, कोर्ट खुल गई तो वो जो संविधान से हमला किसी भी स्टेट न कर सकते ने वो कि जी हूँ साढ़िया ये साढ़े को होगा जी आह अधिकार साढ़े को होगा। सो यू कदा दिल्ली का ना समझा जाए, ये देश के संविधान से हमला है। इस करके असं कह रहे हैं कि सबनों सपोर्ट करनी चाहिए है। सब तो वह पीड़ित कांग्रेस है, राहुल गांधी की एमपीशिप कैंसल करती, प्रियंका गांधी का तो राहुल गांधी का बंगला खाली करा लिया 10-10 घंटे, सोनिया गांधी जी तो राहुल गांधी जी ने ईडी बुलाई रख दी है, 3 स्टेटा जो उन्होंने सरकार तोड़ती। होर कि तंग हो गए फिर वो जी हजे भी नहीं उन्होंने पता लग रहा कि संविधान से बुला रहा। फिर अज आरडीएफ लैके सुप्रीम कोर्ट के फाइल कर रहे हैं।